नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है जहां पर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से पहले तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी के नेता जहां पर विकास को छोड़कर तमाम तरह के और गैर जरूरी मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं, वहीं पर दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन की ओर से एक बड़ा कदम उठाया गया है और बीजेपी के नेता के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल दोस्तों, क्या है पूरी खबर, आपको सारी अपडेट देंगे। लेकिन अगर आप भी दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए देखते हैं और इसका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। दरअसल दोस्तों, दिल्ली चुनाव के अंदर चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और मॉडल टाउन से बीजेपी के उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कराने को लेकर आदेश दे दिया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणवीर सिंह ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। वहीं पर दिल्ली पुलिस के एक सीनियर अफसर का दावा है कि इस मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। उल्लेखनीय है कि कपिल मिश्रा ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने शाहीन बाग जैसे मिनी पाकिस्तान खड़े किए हैं और 8 फरवरी को यानी दिल्ली के चुनाव के दिन भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, इस तरह के बयान दिए थे और इस पर आपत्ति जताते हुए आम आदमी पार्टी की ओर से भी शिकायत की गई है। दरअसल दोस्तों, इलेक्शन कमीशन की ओर से लिया गया है संज्ञान और बीजेपी के नेता को पहले नोटिस थमाया गया है और अब पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वह जल्द से जल्द FIR लिखे और पुलिस की ओर से FIR भी लिख लिया गया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, चाहे वो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, इसीलिए बीजेपी के नेता इस तरह के बयान कर रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की रैली और दिल्ली के अंदर गलियों में जाकर गृह मंत्री की रैली करने के बावजूद बीजेपी के समर्थन में खुद के कार्यकर्ता भी नहीं आ पा रहे हैं और इसीलिए बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधा है और बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के मुद्दे पर डिबेट करने के लिए और चुनाव का मुद्दा बनाने की चुनौती दी है। और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर दोस्तों, शाहीन बाग के मामले को लेकर कई सारे पत्रकारों की अब आंख खुली है और शाहीन बाग जाकर रिपोर्टिंग करने की कोशिश की गई है। वहीं पर गोदी मीडिया के ज्यादातर पत्रकारों से वसूली की खबरें आई है। हम आपको बता दें कि शाहीन बाग पहुंचे गोदी मीडिया के वो रिपोर्टर जो प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आप पर्स रखते हैं या नहीं, उनका विरोध किया गया है। और दोस्तों, एक और बड़ी खबर है जहां पर शाहीन बाग के अंदर नागरिकता कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन को लेकर रामदेव की ओर से बयान आया है। बाबा रामदेव अपने बयानों से थोड़ा पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं और हवा का रुख समझकर बाबा रामदेव की ओर से भी जो पहले बयान दिए गए हैं उन बयानों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हम आपको बता दें कि इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि नागरिकता कानून से मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी, यह झूठा प्रचार है। बाबा रामदेव के कार्यक्रम के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या आप शाहीन बाग जाकर महिलाओं से मुलाकात करने वाले हैं, तो बाबा रामदेव ने कहा कि यानी उन्होंने कहा कि आज उनसे जाकर मुलाकात करूंगा और उनकी सभी बातों को प्रधानमंत्री और उनके लोगों को बताऊंगा। मैं किसी के पक्ष में या विपक्ष में नहीं खड़ा हूं, ना ही मैं किसी का बिचौलिया हूं। शाहीन बाग में चल रहे प्रदर्शन पर बाबा रामदेव ने कहा कि सड़क पर प्रदर्शन करना ठीक बात नहीं है और यह देश सभी का है। हम आपको बता दें कि बाबा रामदेव इससे पहले बीजेपी का खुलकर समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे और अचानक से उनके बयानों में बदलाव देखने को मिल रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां पर मोदी सरकार के दौरान देश के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर इजाफा हुआ है। दरअसल दोस्तों, इंटरनेशनल एजेंसी की ओर से कराए गए रेटिंग एजेंसी डाटा के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का आंकड़ा 2 अंक और गिर गया है और भारत 80वें स्थान पर आ गया है। हम आपको बता दें कि देश के अंदर कितनी ट्रांसपेरेंसी है और कितना करप्शन है, इस मामले को लेकर कराया जाता है दुनिया भर के अंदर एक सर्वे और इस सर्वे के नतीजे सामने आए हैं जहां पर 180 देशों में भारत का स्थान 80 पर पहुंचा है, जो पहले 2 अंक कम हुआ करता था और अचानक से गिरा है। दरअसल दोस्तों, इससे एक दिन पहले देश के लोकतंत्र को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर इंटरनेशनल एजेंसी ने बताया था कि भारत का डेमोक्रेसी कमजोर हुआ है और भारत के अंदर नागरिकों के स्वतंत्रता में कमी आई है और इसी मामले को लेकर भारत का डेमोक्रेटिक इंडेक्स नीचे गिरकर तकरीबन 10 पॉइंट गिरा है। और इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी सरकार से बेहद ही गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल शिवसेना के सामना में लिखा गया है कि जिस तरह से देश के अंदर लोकतंत्र का पतन हो रहा है और जैसे जैसे विदेशी मीडिया इस मामले को लेकर रिपोर्ट कर रही है उससे भारत की छवि खराब हो रही है। दरअसल दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ऐसे में भारत का डंका पूरी दुनिया में इस बात को लेकर ज्यादा बजता है कि भारत के अंदर इतनी विविधता से भरे हुए लोग रहते हैं और भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और इतना बड़ा डेमोक्रेसी है कि दुनिया के लोगों को भी आश्चर्य होता है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आई है उसके आंकड़े बेहद ही ज्यादा चिंतित करते हैं और साफ तौर पर मोदी सरकार की पोल खोलते हैं जहां पर देश में डेमोक्रेसी धीरे धीरे करके कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस मामले को लेकर सरकार के किसी भी मंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आया है, ना ही बीजेपी के नेताओं ने कोई बयान दिया है और ना ही किसी गोदी मीडिया की ओर से कोई डिबेट कराया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं के इस्तीफे का दौर शुरू है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश पहुंचे थे जहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर उन्होंने अपने पार्टी के समर्थन में रैली की थी, जिसके बाद वहां से लौटे तो कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया था और अब इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। दरअसल दोस्तों, एक हफ्ता बीतने के बाद भी बीजेपी के नेता अभी भी इस्तीफा दे रहे हैं और तकरीबन 90 से ज्यादा सदस्यों ने भोपाल के अंदर इस्तीफा अपनी पार्टी के नेता को सबमिट कर दिया है और अपना
इस्तीफा देते हुए कहा कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिशें हो रही है और केंद्र सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं साफ तौर पर एक गलत कदम है। और इस बीच केजरीवाल ने अमित शाह को जवाब देते हुए कहा कि अगर आपका वाईफाई ढूंढते वक्त बिजली का बैटरी खत्म हो गया था तो आपको अपना बैटरी रिचार्ज करना चाहिए था, क्योंकि दिल्ली के अंदर 200 यूनिट का बिजली फ्री हमने कर रखा है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि दिल्ली के अंदर उन्होंने फ्री वाईफाई ढूंढने के लिए तमाम खोज की, लेकिन उनका फोन का बैटरी भी बंद हो गया लेकिन उनको वाईफाई नहीं मिला। जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपका फोन बंद हो गया तो एक बार चार्ज कर लिया जाता ताकि 200 यूनिट दिल्ली में फ्री है बिजली और इसका फायदा आपने उठा लिया होता। हम आपको बता दें कि उन्होंने इशारों में तंज कसा है। आपको खबरें कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटे के दबाए हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।